बिल्किस बानू केस और ये तस्वीरें, ये तस्वीरें जानते हैं आप किसकी हैं? अब मैंने ये तस्वीरें इसलिए दिखाई, बिल्किस बानू केस से इन तस्वीरों को क्या लेना देना? इन तस्वीरों का लेना देना इसलिए है क्योंकि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तब उसमें जो ये महिला चेहरे थी, मेरे देश की मीडिया ने दिखाया कि ये नवदुर्गा, कई जगह इस तरह से संबोधित किया क्या मोदी मंत्रिमंडल में, बकायदा नंबर के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बलात्कार के मामले में धर्म के आधार पर पीड़िता के साथ खड़ा होना क्या यह जायज है? आपके मंत्रिमंडल में, हमारे मंत्रिमंडल में, देश के मंत्रिमंडल में ये तमाम महिला चेहरे हैं, एक महिला चेहरे ने भी बिल्किस बानू केस को लेकर मुंह तक नहीं खोला, क्यों? नारी के जो अपमान होता है वो जितना भी कहो उससे ज्यादा निंदनीय है। जैसे मैं पहले भी कह चुकी, घोर निंदनीय है ये। और लेकिन जो भी मैंने आपको बोला कि आवाज उठानी है, जिसको आपको लगता है गलत है तो आप उठाइए, आपका अधिकार क्षेत्र। जो आप कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो फिर ये महिलाएं जो कि हमारे मंत्रिमंडल का हिस्सा है, देश के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो बिल्किस बानू को लेकर कोई मुंह नहीं खोल रहा, क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं, बस दैट्स इट। यही महिलाएं थी कि तीन तलाक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया था उसकी सभी सराहना की। फिर से कह रही हूँ कि हमने नियम के तहत किया, लेकिन जिसको भी ऑब्जेक्शन होता है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, तो जरूर अपनी अपील करे, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो कोर्ट के निर्देश था उसमें हम रिहाई करी, उसमें हमने भी क्या करी, कोर्ट ने रिहाई करी, आप ये सोचो। किस बानू का केस और दूसरी तस्वीरें मैं क्यों रख रहा हूं, मैं अभी देश के सामने वो बात रखूंगा। वाक्य को याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, सिर्फ थोड़ा से वक्त पहले, प्लीज प्ले करिए। द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कहेंगे कि बिल्किस केस में मैंने ये क्यों दिखाया, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर टिप्पणी की तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आया, अधीर रंजन चौधरी ने लिखित रूप से माफी भी मांगी, मगर बिल्किस के मामले में सजा पाए दोषियों को रिहा किया गया, माला भी पहनाई, लेकिन मैडम स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आया, क्यों? भारतीय जनता पार्टी में जितना महिलाओं का सम्मान होता है किसी पार्टी में नहीं होता, तो सम्मानित तो हम हमेशा महिलाओं को करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर महीने 10 लाख जिहाद के केसेस होते हैं, सूटकेस पे बंद करके लड़की को मर्डर कर दिया गया, उसको फेंक दिया गया बाहर, और ये कर दिया गया, वो कर दिया, तब चुप क्यों रहते हो? कितनी बार स्मृति ईरानी चिल्लाई उस चीज के लिए? मुझे एक बात, आप क्यों नहीं बोलते? आप कितने डिबेट होते हैं कि यार महिला मंत्री को दिखाया इसलिए, और मैंने उससे पहले भी कई मंत्रियों को दिखाया इसलिए, इसके पीछे एक वजह थी, क्या बिल्किस के दोषियों का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है? जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं देश ने भी देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, मगर सवाल यह कि देश में प्रधानमंत्री इस पूरे विषय को लेकर चुप होते हैं। याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, तब उस वक्त देश में जब निर्भया कांड हुआ था, मनमोहन सिंह की चुप्पी पर सवाल उठते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की चुप्पी पर सवाल उठते थे, आप ही के यही नेता चूड़ियां तक भेजते थे। मैंने इसलिए दिखाया, सीमा मैडम मैं गलत तो नहीं बोल रहा, तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था उस विषय पर, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बिल्किस बानू पर नहीं बोलेंगे, प्रश्न यह खड़ा हो रहा है, मैं गलत हूं? और वो भी ऐसी स्थिति में जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बिल्किस बानू एक मुस्लिम चेहरा है, तो ये तो विश्वास की भी बात है और न्याय संगत बात है, मैंने इसलिए सवाल उठाया। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि उम्र कैद की सजा कितने साल होती है,
जो 15 साल उसने स्पेंड कर दिए जेल में, और बाकायदा इस चीज से कहा गया उस दौरान अगर वो 15 साल में वो लोग कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के करते उसमें जेल में, तब जरूर होता, लेकिन उनकी तरह उनकी कोई नहीं पाई गई। जिस वाक्य को मैं उठाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस वाक्य को याद कर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। निर्भया केस, जिसका जिक्र परमवीर जी ने किया, तब की जनता सही थी, मैं मानता हूं तब की जनता बिल्कुल सही थी, तभी रायसीना हिल्स तक वो पहुंच गई थी। कभी भी समाज को बलात्कार की घटना पर आगे आना चाहिए, और समाज ने वही किया था। सरकार ने भी लोगों का सम्मान किया और जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कानून में क्या सुधार किए गए क्या नहीं, उसको लेकर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सुधार हुए, ताकि अपराधियों में डर बैठे, और फिर कानून में संशोधन तक किए गए। मैं ये तस्वीरें निर्भया के वक्त की, उस आंदोलन की दिखा रहा हूं, मगर आप इस आंदोलन को आज नकार नहीं सकते हैं। अब मैं उसी निर्भया की मां की पीड़ा आपको सुनाना चाह रहा हूं। निर्भया की मां का बयान ध्यान से सुनिएगा सीमा जी। अगर ये ब्राह्मण थे, संस्कार अच्छे थे, तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर इतने दिल जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाए? इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। निर्भया की माँ है, जिसके लिए आपने, हमने, सुधा जी ने, परमवीर जी ने, सबने मोमबत्ती उठाई। निर्भया को इंसाफ दो। मैंने उसी की तस्वीरें दिखाई पूरे देश को, पूरे समाज को। मेरा प्रश्न आपसे है सीमा मैडम, आप दिल पे हाथ रखिएगा, दिल पे हाथ रखिए अपने, और दिल पर हाथ रख के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे देश में ये प्रधानमंत्री ने तमाम महिला मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, बहुत अच्छी बात है। ये तमाम मंत्री चुप हैं इसको लेकर, मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं। आपको ये चुप्पी खलती है कि नहीं खलती? दिल पर हाथ रख के, आप एक नारी पहले हैं, देश सर्वप्रथम जैसे आप लोग कहते हैं, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पार्टी तीसरे नंबर पर, जवाब दीजिए दिल पर हाथ रख के, चुप्पी खलती है? नारी सर्वो, बिल्कुल नारी सर्वोपरि, और नारी का अपमान चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, बिल्कुल ये बात निंदनीय है। लेकिन एक एक केस और दिला दो सर, याद आप शायद आप भूल चुके हो, तंदूर केस याद है सर? जिंदा जलाया जाए या उसकी गैंग रेप करा जाए या उसके साथ कोई भी अभद्रता की जाए, निंदनीय है, उतना निंदनीय जितने प्रश्न मेरे पास शब्द भी नहीं है उतना निंदनीय। क्या ये चुप्पी खलती है आपको? बिल्कुल खलती है, और सारे सारे पार्टी के लिए खलती, खाली एक नहीं, सारे दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सबको, सब उठ जाए ना। क्या स्मृति मैडम को इस पर बोलना चाहिए कि नहीं? देखिए ये उनका अपना विषय है, क्या निर्मला मैडम को इस पर बोलना चाहिए कि नहीं? अगर कोर्ट के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, क्या मीनाक्षी लेखी मैडम को इस पर बोलना चाहिए कि नहीं? 15 साल तक लोग रहे ना अंदर, तब भी वो चुप रहे। अगर उसी टाइम रेप करके अगर ना पकड़ा गया होता, तब जरूर सबके सब बोलते। अच्छा ठीक, आपका उत्तर। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहती हूँ, प्रणाम बीजेपी की महिलाओं को, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम। क्या मानसिकता आप लोग रखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्रमाण आपको।